माशाल्लाह से जी आपने देख लिया कि नाश्ता खा रही हूँ मैं आपको कि माशाल्लाह से नाश्ता हमने कर लिया है और बाप को स्कूल छोड़ के आए अभी नदीम साहब, तो बर्तन वगैरह अभी भी बिखरे हुए हैं। इधर देखिए बिस्तर वगैरह भी अभी ऐसे ही हैं। तो बड़ी बच्चियाँ नमाज पढ़ कर फिर सो गई हैं, तो बिस्तर आपने लाना मेरे साथ, अभी नीट क्लीन करके फिर आपके साथ शेयर करती हूँ। और बाहर का मौसम आज इतनी ज़्यादा धुंध थी ना, जब बाप को स्कूल छोड़ने गए ना, इतनी ज़्यादा धुंध थी, बहुत ज़्यादा। अब तो माशाल्लाह कम हो गई है और सूरज भी शायद निकल आया। हाँ, हम नीचे होते हैं तो हमें इतना नहीं पता चलता, तो माशाल्लाह से अब धूप निकली है। आज बहुत ज़्यादा ही सर्दी है, तो जब हमारा काम होता था तो हम इधर काम पर बैठ जाते थे, लेकिन अब हमारा काम नहीं है तो मैं तो उठ के तो इतनी बोर होती हूँ ना बहुत ज़्यादा। तो इधर हमारी लगी हुई थी जी LCD, जो कि अब नहीं है, तकरीबन 6 महीने हो गया कि ख़राब हुई है, वो बनने के लिए दी हुई है लेकिन लाई नहीं जाती। कभी किराया आ जाता है, कभी बिल आ जाता है, हमसे लाई नहीं जा रही। चले कोई बात नहीं है। चलिए यहाँ पर मैं सीढ़ियों पे लगाने लगी हूँ जी झाड़ू। आपको पता है सीढ़ियों में मैं ही झाड़ू लगाती हूँ, पहले मैं बंद करके आऊँगी जी नीचे जाने के दरवाजा। तो सीढ़ियों में मैं नहीं लगानी होती है। जहाँ पर भी अंदर की सफाइयाँ हो चुकी हैं, बच्चियों ने कहा भी कि मैंने तो इसीलिए मैं सिर्फ लगाना होता है, जब बिस्तर का इंतजार लगा रही है। इधर रवाब स्कूल से आ गई है तो इधर बैठी हुई है अपने मोबाइल के साथ। माशाल्लाह से आज रवाब के 3 पेपर रह गया है ना रवाब? यस, 3 रह गया जी। माशाल्लाह से अच्छे करके आ रही है। अच्छा जी, रबाब इधर जी बैठ के खरोट खा रही है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक होंगे। अल्लाह के फजल से मैं भी ठीक हूँ। आप जहाँ भी रहे खुश रहे, आबाद रहे, हंसते रहे, मुस्कुराते रहे और अपनी नेक दुआओं में मुझे हमेशा याद रखें। इसी नेक दुआ के साथ मैं भी आज का व्लॉग करती हूँ जिसको। तो जी रबाब खा रही अखरोट, मैंने भी उससे लेकर खा लिया थोड़ा। और पहले सुबह तो धूप निकली है, थोड़ी सी पहले धूप थी, उसके बाद फिर थोड़ी सी धूप निकली, आपको ठीक नहीं है जी, आप फिर बदल हो गया। तो तकरीबन बज चुके हैं जी 3 और मैं बना ले रही थी जी, ले गए थे नदीम साहब मटर, तो मटर बनाने लगी थी, तो वो मैं लेके आप इधर चीज़ें रखते हैं शाम के। सब लेने तो वो भी गए थे, लेकिन ले आएगी मटर, कहते हैं जी मटर गोश्त बनाते हैं, वो आपको पसंद है तो वो ही बनाएंगे हम। इधर लेके आई हूँ जी टमाटर है, आलू है, पहले टमाटर को निकाल लेते हैं। आलू नहीं ना डालने हमने, आलू को मैं डाल के रख देती थी छापड़ में, क्योंकि नसीम साहब ले रहा है चिकन साथ, चिकन डालेंगे या आलू डालेंगे? चिकन डालेंगे जी, आपके काम अगर आलू सारे चिकन डालेंगे, चलो सही है। आलू रख देते सैर में, तो मटर निकाल लेते बहुत मजे। इधर से ले
बहुत पसंद है मूंगफली जाना हमारी इधर नसीब से नहीं ना मिलते जाना पापा को तो मुझे ला फिर जब स्कूल से वापस आती है तो लेके आती है लेकिन हाल ही कितने हैं थोड़े थोड़े दाने भरे हुए नहीं है ये देखो वो भी खाली है हाँ मैंने सारा मसाला भी तैयार कर दिया मटर वगैरह निकाल दिए हैं चिकन को मैंने अच्छी तरह धो लिया अब बनाना स्टार्ट करते हैं बनाऊंगी मैं प्रेशर में ही क्योंकि मैं खाना मुझे प्रेशर में मजा आता है बनाने का इसके बगैर मैं खाना नहीं बनाती प्रेशर मैंने धो लिया अच्छी तरह सबसे पहले मैं इसमें डालूंगी कि प्याज और टमाटर को चिकन मैंने अच्छी तरह भून लिया अब मैं इसमें डालूंगी मटर मटर को मैंने अच्छी तरह धो लिया निकाल के बहुत है मुझे तो बहुत ज्यादा लग रही है गैस को पता नहीं क्या हो रहा है कभी कम हो रहा है कभी तेज हो रहा है तो आपने फिर उधर रख दिया माशाल्लाह से जी रुबाब को तीन कलमे याद हो गए थे कहते मामा जी मुझे चौथा भी याद करा दे माशाल्लाह से तीन कलमे मेरी बेटी को आती है रुबाब मटर और चिकन भी भून गया इधर घी अलग हो गया मैं इसमें पानी डालूंगी पानी मैं इतना डालूंगी थोड़ा डालूंगी क्योंकि रोटी के साथ खाने हैं इसमें सालन हमारा तैयार अब इसमें मैं डाल दी धनिया गरम मसाला सर्दियों में तो दिल करता है कि चूल्हे के आगे बैठे रहे मैं तो खाना भी इधर ही खाती हूँ सर्दी में यही होता है कि चूल्हे के पास ही बनाते जो वो बच्चे खाते जाते हैं हाँ जी अब आप कहती है हाँ जी बिस्मिल्लाह पकड़ो फिर जूता उतार लो उसका चलो खाओ
आप अभी बाहर बच्चों, वो बच्चों मैं कहूँ पापा कहते नहीं दी हमें भूख लगी हुई है, वो भी कहते खा लिया अगर मेरा इंतजार ना किया करो, बच्चे आपका काम नहीं ना आ रहा तो वो घर लेट आते हांडी दे जाती है और बाहर चले जाते हैं। चलो जल्दी जल्दी गरम है कर रही है, मुझे तंग कर रही है जी। तो बच्चों को मैंने खाना दे दिया, दो रोटी ला के मैं भी खा लूंगी। तो आज रुबाब मुझे तंग करने का ठेका दिया हुआ है। तो आज की वीडियो मेरी बात इतनी थी, उम्मीद करती हूँ मेरी आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो सब्सक्राइब कर दे, लाइक कर दे, ज़्यादा शेयर किया करें। और इसके साथ ही मिलते हैं जी नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।